राजधानी भोपाल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सरकारी बंगले में घुसा पानी, रात भर कमरों से पानी निकालते रहे कर्मचारी। शामला हिल्स पर हाल ही में बनकर तैयार हुआ सिंधिया का सरकारी बंगला, महीने भर पहले सिंधिया ने बंगले में सहपरिवार किया था गृह प्रवेश। बारिश के पानी से कीमती वुडन फ्लोर हुआ खराब। निगम कमिश्नर PWD के अधिकारियों ने भी बंगले का किया मुआवजा। बता दें कि राजधानी भोपाल के शामला हिल्स में यह बंगला ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलॉट किया गया था और महीने भर पहले ही इस बंगले का उद्घाटन किया गया था। सिंधिया पैलेस की तर्ज पर बनाए गए इस बंगले को सभी सुविधा से युक्त किया गया, परंतु पहली ही बरसात में इस बंगले की पोल खुल गई, जिसके बाद मुआयना करने के लिए PWD अधिकारी नगर निगम कमिश्नर पहुंचे। वहीं नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि एक पॉइंट मिला था जिसकी जांच पे गए थे, परंतु वहां गए तो कुछ भी नहीं मिला। सर, एक सिंधिया जी के घर के सर पानी भरने का मामला सामने वैसे है। मतलब कल भी मतलब कोई ऐसा कोई पानी नहीं भरा है और परसों मतलब छोटा सा पॉइंट आया था, उसी समय क्लियर हो गया है। नाली मतलब काटना था, कट गया और कोई प्रॉब्लम नहीं।